कितना वजन है अभी बाबा जी आपका? लगभग 95 kg। क्या अभी कितना दूध अभी पचाते हैं बाबा जी? लगभग 5 kg। 5 kg अभी भी आराम से। तो देखा के तो दीजिए, देखिए अभी पचा जाते हैं, अभी खा लेंगे। हम अभी 53 साल के बाबा जी भी हैं और पहलवान जी भी हैं, तो पहलवान जी का पेट देखिए बाबा जी की पेट अभी कब से? बार बार ये गेट क्यों करते हैं भाई? अरे पेट हमारी क्या नाकामिया ये प्रदर्शित कर रहा है, पेट जो निकला हुआ है ना ये नाकामिया है। धाम में है और हमारे साथ में बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ गए हैं और बाबा जी हैं, उनसे आज मिलते हैं, बहुत सारे जानकारियां लेते हैं अशोक धाम के बारे में। क्या नाम है बाबा जी आपका? सुधीर शर्मा है जी। कब से आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? जब से बाबा का उत्पन्न हुआ था ये 1976 से जी, 76 से लगातार हम लोग यहाँ पर बाबा की सेवा में लगे हुए। क्या काम होता है बाबा जी आपका यहाँ पे? बाबा का सेवा करना और क्या होगा। अच्छा अच्छा, आप सेवा में है बाबा। हाँ हाँ। रहने वाले कहाँ कहाँ है बाबा जी? बगल में है पिपरिया थाना, पड़ता है लखीसराय जिला, रामचंद्रपुर गांव है जी, जी। वहीं का सुधीर शर्मा नाम है मेरा जी। और बाबा के इस क्षेत्र पर असीम कृपा है, जो कि आदमी श्रद्धालु लोग जो है जुड़े रहते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि मैंने सवा लाख सवा हजार जल जो है इनको अर्पण होना निश्चित है। डेली प्रतिदिन यहाँ पे प्रतिदिन है, अगर श्रद्धालु लोग नहीं जुटते भी तो उनका 1.25 लाख ये करके जल जो है नाप के उनको ये अर्पण किया जाता है। और ये बहुत महत्वाकांक्षी वाले हमारे सामने बाबा विराजमान हैं, जो कि बहुत सा श्रद्धालुओं का ये कितने दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं बाबा जी? बहुत आते हैं, अदर कंट्री नेपाल से आते हैं, मॉरिशस से, जो भी आदमी ये घर के रास्ते से आते हैं और जिनको जानकारी होता है वो सभी आते हैं। विदेश से जैसे नेपाल से हुए, भूटान से हुए, मॉरिशस से आए, एक दो को घाना से आए आदमी, अदर कंट्री से कभी कभी बैठे रहते हैं, तो उनका जो है इनक्लोजमेंट जब करते हैं तो पता चलता है कि विदेश। बाबा जी बहुत सारे दूर दूर के जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे होता है? रहने का व्यवस्था उनका है? उनका रहने का व्यवस्था उनके ऊपर निर्भर करता है कि आप रहना चाहते हैं तो ऐसे पीछे में संस्कार भवन है और सामने में अग्रसेन धर्मशाला है, और सारी व्यवस्था जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पीछे सुलभ शौचालय का व्यवस्था है, नहाने का स्नानागार है, जिनको जल अवेलेबल नहीं है वो सामने में चंद्रकूप का जल लेके बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे साधु संत महात्मा भी जाते हैं? बहुत आते हैं, साधु के तो चलते रहना है, साधु एक जगह टिकेंगे साधु कहलाएंगे, इसलिए जहाँ से भी जो आते हैं श्रद्धालु यहाँ से मन उनका पूरा होके जाता है। जी जी बाबा जी, आपका शरीर जो हम देखे हैं एकदम लग रहा है पहलवान जैसे, पहलवान भी पहले अब छोड़िए वो जवाना था, अपने जवानी में पहलवानी करते थे जी, जी, हाँ। अभी भी व्यायाम करते हैं पहलवान? व्यायाम करते हैं। कितना वजन अभी? कुर्सी पर बैठने से ये हो गया, निकल गया, लेते इसको निकलने नहीं दे रहे थे। कितना वजन है अभी बाबा जी आपका? लगभग 95 kg। क्या अभी कितना दूध अभी पचाते हैं बाबा जी? लगभग 5 kg। 5 kg अभी भी आराम से। देखा के तो दीजिए, देखिए अभी पचा जाते हैं, अभी खा लेंगे जी जी जी। आपका मेन भोजन क्या क्या है बाबा जी? रोटी दाल सब्जी। अच्छा अच्छा, दूध कितना पीते हैं अभी? चावल से कोई इंटरेस्ट, दाल से रोटी के साथ में दूध अगर नहीं मिलता है तो रोटी के साथ में ये करके ले लेते हैं। कितना उम्र हो गया आपका बाबा जी? हमारा लगभग 53 साल हुआ है। तो धन्यवाद इस सच्चाई न्यूज के लिए, और आपने ऐसा सोचा है बाबा के दरबार में आके उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बाबा जी से आपको मिलवाया।